नमस्कार, मैं महागुरु गौरव। आशा करता हूँ पिछला सप्ताह आप सभी राशि के सभी जातकों के लिए अच्छा रहा होगा। आपने मेरे बताए हुए कुछ जो उपाय मैं हर राशि के लिए बताता हूँ आपने वो फॉलो किए होंगे। आने वाले सप्ताह में आपका क्रिसमस भी है, हालांकि हिंदू फेस्टिवल के हिसाब से क्रिसमस नहीं मनाया जाता है, बट जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लर्न करने की है क्रिसमस से, वो है देने की भावना। जिस तरीके से सेंटा क्लॉज से आप जो विश करते हैं वो सेंटा क्लॉज आपको देता है, इसी तरीके से हम देने की भावना यदि रखते हैं, यदि हमारे पास है, और यदि बहुत ज़्यादा भी नहीं है, फिर भी हम उसमें से कुछ परसेंटेज, कुछ हिस्सा, कुछ दान धर्म और दक्षिणा में और जो गरीब ज़रूरतमंद लोग हैं उनके सेवा में लगाते हैं, तो वो हमारे बाकी सारे प्लानेट के मैलेफिक नेगेटिव इम्पैक्ट को ख़त्म करके उसको हमारे नेगेटिव प्लानेट के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं या पॉजिटिव प्लानेट के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं उनको हमारे फेवर में लेके आता है और हमारे आने वाले सप्ताह और हमारी लाइफ खुशपूर्वक व्यतीत होती है। तो आने वाला सप्ताह डिफरेंट राशि के जातकों के बारे में कैसा रहेगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के स्वामी है शुक्र, शुभ रत्न है हीरा, शुभ रुद्राक्ष 7-6 मुख्य रुद्राक्ष, शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व की दिशा। इस सप्ताह इस राशि के जातकों के लिए कमाल का रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में लाभ होने से आपका मन प्रसन्नचित रहेगा। इस सप्ताह व्यापारी वर्ग को आमदनी में वृद्धि हो सकती है, कहीं से प्रत्याशित लाभ भी मिल सकता है। यदि आप जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन या सैलरी में भी वृद्धि की संभावना है। कार्यस्थल पर प्रमोशन और प्रशंसा मिलने से आपको प्रसन्नता रहेगी, मन प्रसन्नचित रहेगा। शेयर मार्केट में निवेश करना आपके लिए शुभ कार्य साबित हो सकता है। छात्रों के लिए सप्ताह बेहतरीन रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए समय अनुकूल है। कामयाबी आपके साथ रहेगी। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियों की बहार मिलेगी। लव लाइफ रोमांस से भरपूर रहेगी। परिवार में सभी आपका सहयोग देंगे। सेहत के मामले में भी सप्ताह सामान्य रहेगा। आपको अपने सेहत पर ध्यान देने की जरूरत होगी। तो देखा जाए सप्ताह एक एवरेज सप्ताह है। सप्ताह को अच्छा सप्ताह और कैसे बना सकते हैं जानते हैं इसके कुछ उपाय। इस राशि के जातकों को चाहिए कि हमेशा धुले हुए कपड़े पहने, रात के पहने हुए कपड़ों को सुबह नहीं पहनना है। माता का आशीर्वाद हर कार्य से पहले एक अहम भूमिका निभाएगा। काले रंग की गाय की सेवा करना और दही से स्नान करना लाभप्रद साबित होगा। मंदिर के अंदर शहद, सौंफ, खांड आदि का दान करना लाभप्रद साबित होगा। जीवन संगनी का सम्मान करना लाभप्रद साबित होगा। माता को खीर का भोग लगाना फ्राइडे के दिन और मंडे के दिन, ये भी आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। काले रंग की चींटियों को आपको चीनी खिलानी चाहिए। कुष्ठ रोगियों की सेवा करना, खाने के पश्चात रात्रि को कुत्ते को रोटी देना और सुबह की शुरुआत माता के चरण स्पर्श से करना, ये उपाय इस राशि के जातकों के लिए आने वाले सप्ताह को अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आने वाला सप्ताह सभी राशि के सभी जातकों के लिए और नया साल जो कि हालांकि अगले वीक से शुरू होगा, सभी राशि के जातकों के लिए शुभकारी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं महागुरु गौरव, नमस्कार।